आज हम चेंज करेंगे एयर फिल्टर पल्सर आरएस का, जो कि इसका लगता कहाँ पे है, यहाँ पे। उठाओ इसके एयर फिल्टर की कॉस्टिंग देख सकते हैं कितनी है। बजाज का जेन्युइन 262 रुपीस, ठीक है। चलो खोलना चालू करो। अब सबसे पहले पीछे की सीट, देन आगे की सीट, देन टंकी, इसकी खोलेंगे। प्लास्टिक ने टूटे ना, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। लंगड़े को लगाए फोन, बोले गाड़ी खोलनी है भाई। आदमी किसके बात कर रहे, पॉज मार दीजिए। तो भी डर हो लगती है। डर किस चीज की? दादा लगाया। हाँ। भाई आप खोलिए। हाँ। मेरे को पूरा भरोसा है, ठीक साला स्क्रैच नहीं आएगा। हाँ हाँ। गाड़ी खुले, कोई दादा बोला कि बाबू भैया यहाँ चले जाओ। हाँ। बोले मालिक अमन भाई अभिषेक है, खोल ले। हाँ। 1000 ज्यादा चला ले, कोनो दिक्कत नहीं है। और क्या, ये प्लास्टिक टूटी हुई यार इसकी, ऐसा ही है। नहीं, प्लास्टिक टूटी हुई है, कॉलर रहता है, प्लास्टिक टूट गई है। एक बड़ा सा वॉशर लेके ऊपर से चाहो तो लगा सकते हो। कहाँ गिरा पड़ा रहे हो, चलो निकल आएगा वो। उठा लो टंकी, सामने के खोल लो बोल्ट। खड़ी लगाओ, दिक्कत ये पीला ना हो तो दिक्कत नहीं जाती। तो मिलता नहीं है ना येलो कलर, जल्दी ब्लैक हो ग्रे हो मिल जाता है, कॉमन है। आराम आराम से निकालना है। आप रहता है ना ब्लॉकेज इस पे, देखिए टूटे ना। नहीं, लॉकिंग रहती है ना, अगर टूटे। ये भी टूटा हुआ है कौन सा? हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। यही तोड़ दिया, यही तोड़ा था। फिर बड़ा सा वासर लगाया इसके सामने छुपाने के लिए। पिछली बार देखा था। अब टंकी के नीचे ये लगा हुआ है एयर फिल्टर, ठीक है। पूरी टंकी निकालना पड़ेगा, एक दो, सामने का तो खुल ही गया है। दो ही बोल्ट बचे हुए हैं, अरे पट्टी बची हुई है। ये क्या है, नट बोल्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये ऐसे थोड़े ना लगता है, ये बोल्ट लगा है, नट का कोई मतलब ही नहीं है। हिल रही होगी टंकी, अब तो समझ में नहीं आता, पर वाइब्रेशन हो सकता है। सात हजार निकलने के बाद देखते हैं। आनंद चलो उठाओ, आराम से उधर से उठा लो। पाइपिंग निकालना पड़ेगा, बाहर से पाइप निकालो। रंद उधर, हेलो, पाइप सॉकेट निकालो। हाँ भैया, आ जाए भैया, तो बिल भेजते हैं। लोवर नहीं हो गया एक बार मार दिया।
अंदाज भैया कुछ नहीं, आ जाए भैया बिल बनवा के मैं भेज रहा हूँ भैया के तक हैं, आ जाए। क्या ये जो हो गया इसे टंकी किनारे कर दो, एक मिनट हम भेज दें भैया, सॉकेट निकाल दो ना, क्लिपिंग है, दो मिनट आज करूँगा। चलो खोल, चलो बिना टंकी खोले हो जाएगा, सॉकेट की जरूरत ही नहीं है, निकल जाएगी, चलिएगा मत निकाली। एक पाइप निकली हुई थी, सेंसर काम नहीं कर रहा होगा। क्या नहीं काम कर रहा, एक ही सॉकेट निकली हुई है, अभी निकली है, अभी अभी निकाले हो? चलो फिर ठीक है, आइए। नहीं यार धूल इतनी गंदी जमी हुई है ना, और पहली झलक 7000 चले फिल्टर की। भूल गए थे चेंज करवाना कि टाइम नहीं मिल रहा था? टाइम नहीं मिल रहा है। वाह, और ऐसी जगह लगता है कि हिम्मत नहीं होती। कौन चेंज करे, आरएस में भी वो आरसी लिया था जब, उसमें भी ये टंकी सेम तो बॉडी है पूरा लगभग। आगे करो टंकी थोड़ा, टंकी आगे करो थोड़ा, आगे करके पकड़े रहना। कौन चेंज करवाए, वो तो डायरेक्ट खोलो भड़ा खत्म। जितनी मजा आती है ना स्पोर्ट्स बाइक में, इसमें फुल बॉडी में उतना ही रोना है बाद, उतना ही मेंटेनेंस कॉस्ट। एयर फिल्टर है कि गायब, जो कि लगा हुआ यहाँ नहीं है। और आप खराब हालत देखिए, ये है नया, और यहाँ देखिए हालत, ये उसकी हालत है। चुड़ूंग 4 रन, बाकी अंदर हालत तो सही है। ये अनबॉक्सिंग हो चुकी है, शायद कपड़ा दे थोड़ा, कपड़ा दे दे थोड़ा सा। वॉल में बैठा ना, इधर किसी में बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, नट बोल्ट डाल दो। इसमें भी यार नट लगाएगा? किसमें? इसमें हाँ नट ही रहते हैं, ऊपर लगे क्यों? इसमें नहीं, नट नहीं रहता है, फंसे हुए रहते हैं, ये इंटेक करता है ना, बस हो गया, हवा बस तो रहती है इसमें। तो उठा लो टंकी, और घंटी बजा रहे यार तुम लोग स्कूल की, हैं टन 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 टन। पाँच हजार में चेंज करवा लिया करो, मुझे लगता है मैं 4 में करा दूँ, हाँ। समय नहीं मिल पाया। चलो तो पीछे वाला एक बच्चा है ना, वो लगा, क्या चीज़ पीछे वाला, वो ये जो फिर निकली है। चलिए हम गाड़ी पैक होने के बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी की लुक क्या है, खोल दीजिए तो क्या लग, और आवाज़ का साउंड चेक करा देंगे। ओके 7100 चाहिए, 7100 देखना पड़ेगा, ऑयल एक बार ऊपर से खोल के चेक हो जाएगा क्या? बाहर से चेक हो जाएगा, चेक करके बता दो है सही है, सही है, 2000 हुआ है। सीधा करो गाड़ी, सही ऑयल, ये पीलापन दिख रहा है ना, देखो ये पीलापन दिख रहा है, अभी ये खाली यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है, ठीक है, अब ये ऑयल आया, ऑयल तो काला तुरंत हो जाता है, है ना, जब इसको नीचे कर दो तो ये पीला दिखना चाहिए, अगर ये काला समझ में आता है तो ऑयल खराब है। ये देखिए पूरा चिपक गया, हाँ बॉडी प्रोटेक्शन नीचे वो भी खत्म हो गई,
टंकी की वजह से ये वाइब्रेशन खत्म हो नहीं ऐसा नहीं है, हर संडे की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग पढ़ते थे ना गाड़ी आरएस वगैरह, गोविंदगढ़ की रोड देखी हो? वो बार 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 उसमें भी 80-90-100 चल रही, पर मैं रोड देख के चलाता हूँ गाड़ी। हाँ उसमें फिर तरीके तो हम लोग रेसिंग चलती थी ना यहाँ से 30 किलोमीटर। साइड स्टैंड नहीं चालू हो जाएगी, बस स्टेटर नहीं है। डिस्क ब्रेक ऑयल कम है क्या लग रहा है तो नहीं, हमको तो कम लग रहा, ब्रेक ज़्यादा लग रहा है। नहीं सही है, खड़ा है इसका बहुत चलता है। चले जाओ।